Hello students, so today we will learn about blue molding, which comes under unit 5 of subject code 302. Let's begin. So first thing is, what is blue molding? So blue molding is a manufacturing process that makes it possible for hollow plastic parts to be formed. बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जैसे हम हॉलो पार्ट्स बनाते हैं प्लास्टिक्स के, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक के कैंस हो सकते हैं, और भी इक्विपमेंट्स जो प्लास्टिक से बनते हैं वो हम इससे बनाते हैं. इन वेरी बेसिक टर्म्स, प्लास्टिक इज मेल्टेड डाउन. सबसे पहले प्लास्टिक को जो पाउडर फॉर्म में या ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होगा उसको मेल्ट करते हैं, क्लैम्प्ड इनटू अ मोल्ड. और जो मेल्टेड प्लास्टिक है उस सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर उसको हम क्लैम्प करके एक मोल्ड के अंदर क्लैम्प करते हैं, और उसके बाद उस सेमी सॉलिड मोल्ड के अंदर जो हमने प्लास्टिक का पार्टीशन बना के होल्ड किया हुआ है उसके अंदर हम एयर ब्लो करते हैं. जब हम एयर ब्लो करेंगे उसके अंदर तो अपना मोल्ड का शेप ले लेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर. सो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ होलो प्लास्टिक पार्ट्स कैन बी मेड थ्रू दिस प्रोसेस. So let's see the working. The blue molding process begins with melting down the plastic and forming it into a paraffin. Paraffin बेटा ये क्या होता है ये हम समझ लेते हैं. ये basically एक jelly shape में या semi solid plastic का एक tube होता है. Tube shape का होता है, cylindrical shape का होता है. उसके one end पे एक pin point hole होता है जहाँ से air blow होती है और वो अपना mold का shape लेता है. We'll see this in next slides. The partition is then clamped into a mold and air is blown into it. The air pressure then pushes the plastic out to match the mold. Once the plastic has cooled and hardened, the mold opens up and the part is ejected. The cost of blue molded part is higher than that of injection molded parts. So ye humne dekha kis tarah se hota hai, aur injection molds ke comparison mein blue molds costly hote hain, kaise honge we'll discuss in next slides. सो ये आपका एक टिपिकल सेटअप होता है. एक्सट्रूडर आपको देख रहा है इसके अंदर, ये एक तरह से स्क्रू होता है जहाँ पे अपना रॉ मेटल ऊपर से आता है, या तो पाउडर के फॉर्म में या ग्रैनुल्स के फॉर्म के अंदर. उस रॉ मटेरियल को ये जो आपका एक्सट्रूडर है ये आगे भी बढ़ाता है. एक्सट्रूडर के ऊपर जो आपको चैम्बर दिख रहा है, जो आपको ब्राउन कलर के अंदर दिख रहा है, ये आपका हीटिंग सेक्शन है. उसको हीट भी करता है और उसको मेल्ट करता है, और जो एक्सट्रूडर है आपका जो प्लंजर शेप का है वो इसको आगे बढ़ाता है और डाई हेड के अंदर इंजेक्ट करता है. डाई हेड के ऊपर आप एयर होस देख रहे हैं, वहाँ से आपका प्रेशराइज्ड एयर आएगा. और फिर आपने मोल्डन प्लास्टिक देखा है, जो प्लास्टिक आपका हीट होने का मोल्ड हो गया है वो मेल्ट हो चुका है, वो इसके अंदर आ जाता है. इसके बाद आप नीचे डाइज देख सकते हैं, दो कूलिंग लाइन्स आप देख सकते हैं, मोल्ड कैविटी देख सकते हैं. पार्टीशन जिसके बाद हम इतने से कर रहे हैं वो यही है, ये सेमी सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लू पिन आप देख रहे हैं, वहाँ से एयर आपके इसके अंदर फिल होती है. नेक्स्ट के अंदर हम देख रहे हैं मोल्ड आपको दिख रहा है. अब एयर फिल होने के बाद जैसा वो बनेगा, डाई का जो रूप है साचा है वो ले लेगा, यू कैन सी दैट. और फाइनल प्रोडक्ट आप देख रहे हैं किस तरह से बॉटल फाइनली बन चुकी है. सीक्वेंस में आप वापस देख सकते हैं और क्लैरिटी के लिए, सबसे पहले हीटेड जो आपका प्लास्टिक एक्सट्रूडेड इनटू हॉलो ट्यूब जिसे पार्टीशन कहते हैं हम, मॉल्ड क्लोज होगा, पार्टीशन इज ग्रिप्ड इन प्लेस. सब उसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर कंप्रेस्ड एयर आएगी, ब्लो इनटू द पार्टीशन व्हिच इन्फ्लेट्स इट. फिर पार्टीशन फिल्स मॉल्ड, प्रोडक्ट इज ट्रिम्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम मॉल्डिंग, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट रेडी फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेज. सो ये स्टेप्स इसके अंदर जनरल होते हैं. आई थिंक अप टू दिस पॉइंट थिंग्स आर प्रीटी क्लियर. सो नाउ वी सी विच काइंड ऑफ मटीरियल्स आर यूज. सो प्लास्टिक प्रोसेस है तो जनरली प्लास्टिक्स के ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं आप इसके अंदर. पोलो लेफलेंस यूज़ करते हैं, पोलो एक्रोलाइड यूज़ करते हैं आप इसके अंदर, पोलो एक्रोलाइनाइट्राइट्स यूज़ करते हैं, पॉलीस्ट्राइन्स यूज़ करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द मटीरियल्स विच आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. सो नाउ वी टॉक अबाउट एडवांटेज. तो हाई ऑटोमेशन इज़ पॉसिबल, आप बहुत ज़्यादा मास वैरायटी के प्रोडक्ट बना सकते हैं, ऑटोमेशन के बना सकते हैं, और
suitable for mass production, economic hota hai. Initial setup is costly, but if we talk about the economic of scale, then it is economic hota hai, zyada costly nahi padta hai. Per part price aapki kafi kam aati hai. High productivity aapko milti hai iske andar, very high productivity aapko milti hai. Wastage itne significant nahi hote, wastages are there but not very significant. So I think it's pretty clear up to the advantage stage. So limitations, we talk about wastage zyada hai. Agar aap injection molding ki comparison mein agar baat karte hain, to injection mold ke comparison mein wastage yahan zyada hai, kyunki aap jo mold ke andar jo plastic ka partition aata hai wo niche se bhi katta hai, upar se bhi katta hai, to wahan wastages aapko milte hain. Aur petroleum industry mein bahut zyada dependent hota hai, kyunki jo plastic ke granules aate hain, powder aata hai, wo petroleum industry se hi aapko milte hain. To raw material ke liye highly depends on petroleum industry. Huge impact on environment, बहुत negative environment पे impact होता है, क्योंकि जो आपको plastic मिलता है petroleum से वो multiple processes के होने के बाद आपको मिलता है, जो कि environment के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है. बहुत सारी gases निकलती हैं, बहुत सारे multiple processes होते हैं, उसके through फिर final product आपको मिलता है granules या फिर plastic का powder. It is dangerous for environment. Limited use है, limitations है, limited use है, in the sense कि आप हर product को blow नहीं कर सकते हैं, सिर्फ plastic आप use कर सकते हैं, कुछ type of rubbers आप use कर सकते हैं. limitations है आपकी, आप हर तरह का shape नहीं बना सकते इससे. flexible नहीं है design के अंदर, जैसे injection mold के अंदर flexible नहीं था, इसके अंदर भी नहीं. if you want to change the design तो आपको mold design करना पड़ेगा, और डिज़ाइनिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको मॉडल अलग से बनाना पड़ेगा, डिज़ाइन अलग से बनाना पड़ेगा, आपको मीटरिंग अलग से करनी पड़ेगी, कितना प्लास्टिक का लिक्विड मेल्टेड लिक्विड है उसके अंदर जाए चैम्बर के अंदर, और किस रेट से कूलिंग उसकी होनी चाहिए. तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज़ प्रिटी क्लियर. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.